हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि अपने चैनल पर सी टेट की यहाँ पे रेगुलर आपकी प्रैक्टिस के लिए हम लोग यहाँ पे क्लास लेकर आते हैं, और जो क्वेश्चन आज हम लोगों ने रखे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा दोस्तों, और अपने चैनल को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए जिससे कि आपके सी टेट के और साथीगण हैं वो भी हमसे जुड़ सकें और इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर दोस्तों, वो आपका इस टाइप से है। इसमें आपसे ये कहा गया है कि इसमें अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दोस्तों क्या करनी है, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपको बताना है कि ठीक है, आपको आपको एक सर्कल दिया हुआ है, उस सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल आपको गिवन है, उसके सेंटर पे यानी कि कोई एंगल आपका फॉर्म हो रहा है वो 60 डिग्री है। ठीक है, कितना है दोस्तों, 60 डिग्री है, और आपसे ये कहा गया है कि उसमें अल्फा की वैल्यू क्या होगी। फोर ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि आपने एक थ्योरम रीड की होगी, वो थ्योरम जो थी वो आपको मालूम है कि जैसे आपने एक थ्योरम रीड की होगी और वो थ्योरम ये रीड की होगी, कोई भी अगर जैसे यहाँ पे एक आपको ए बी जो है वो एक कॉर्ड गिवन है ये। ठीक है, ये ए बी जो है वो आपकी एक कॉर्ड है और इस कॉर्ड की हेल्प से जो आपका एंगल सबटेंड हो रहा है, ठीक है, केंद्र पे जो एंगल आपका सबटेंड हो रहा है ए ओ बी, ये आपका ट्वाइस होता है। बाकी इसी कॉर्ड के द्वारा जो बाकी परत पे बने हुए जो आपका एंगल जो फॉर्म होता है उससे, ठीक है, उससे ये डबल होता है, और ये जो आपका परिधि पे बना हुआ कोण होता है वो केंद्र से हाफ होता है। इस टाइप की थ्योरम आप लोगों ने रीड कर रखी होगी दोस्तों, ठीक है, रीड कर रखी होगी। तो यहाँ तो इस टाइप की थ्योरम हम लोग यहाँ पे रीड कर रखी होगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके सामने गिवन है इसमें हम लोग थ्योरम यहाँ पे राइट करेंगे, और वो थ्योरम आपने राइट कर रखी होगी, लर्न कर रखी होगी 9th और 10th क्लास में, कि एंगल जो आपका सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा होता है दोस्तों वो आपका ट्वाइस होता है, डबल होता है एंगल ऑफ ए डी बी। ठीक है, ये आप लोगों ने रीड कर रखा होगा। तो ए ओ बी कितना है दोस्तों, ए ओ बी जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री है, और यहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है ए डी बी। तो ए डी बी की वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, किसकी आ जाएगी दोस्तों, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो ए डी बी की जो वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होगी वो 30 डिग्री आएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे टेन होगा, 30 ऑप्टेन होगा। तो इस टाइप की एक थ्योरम थी, और जो थ्योरम आप लोगों ने पहले कभी रीड की होगी कि अगर सेम यानी कि यहाँ पे कोड देखिए, यहाँ पे कोड आपकी ए बी है, और इस ए बी कोड से इस ए बी कोड से आपका जो एंगल सबटेंड हो रहा है केंद्र पे वो डबल होता है बाकी बचे हुए यानी कि परिधि पर, यानी कि इसी इसी कोड द्वारा बची हुई परिधि पर जो सबटेंड एंगल होगा उसका डबल होता है, यानी वो आपका हाफ होता है। ठीक है, इस टाइप की थ्योरम आपने रीड की होगी, तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका लग जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन करा करिएगा, जिससे जो भी आंसर आया करे उसे कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को मैं लेकर आता हूँ यहाँ पे, और अपने आप लोग सॉल्व भी करा करिएगा। ठीक है, इसके आगे देखिएगा, इसके आगे जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो इसमें आपसे क्या कहा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी इस पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है वो आपका कौन सा फॉल्स है, तो इस बात पे आपको ध्यान देना होगा कि आपको गलत वाले पे क्या करना होगा, टिक लगाना होगा कि गलत वाले पे ऑप्शन पे टिक लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि जैसे यहाँ पे फोर्स जो आपकी स्टेटमेंट यहाँ पे रिटन है, तो इन स्टेटमेंट में ऐसा कोई एक स्टेटमेंट होगा जो रॉन्ग होगा, बाकी तीन आपके सही होंगे। तो हम लोग यहाँ पे रीड करने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट जो है वो आपसे कहा गया है कि किसी वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण उसी जीवा द्वारा परिधि के किसी अन्य बिंदु पर बनाए गए कोण के बराबर होता है। ये एक स्टेटमेंट है, और सेकेंड आपका है किसी वृत्त में केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई बराबर होती है। किसी वृत्त में एक जीवा द्वारा परिधि के अलग अलग बिंदुओं पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं। किसी वृत्त में बिंदु से एक जीवा पर डाला गया जो लंब होता है वो क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो ये जो फोर ऑप्शंस हैं ये आपके सामने हैं, इनमें आपको एक्सप्लेन करना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है दोस्तों।
ठीक है, तो आपने अभी देखो, अभी मैंने आपको रीड करवाया था कि पिछले वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपसे क्या कहा गया था, कि उसमें जो आपसे कहा गया था कि कोई एक सर्कल आपका गिवन है, ठीक है, अगर कोई एक सर्कल गिवन है, अभी देखो अभी हम लोगों ने इस टाइप की थ्योरम रीड की थी, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे कहा गया कि वृत्त में कोई भी अगर जीवा है, अगर सपोज करो कि दिस इज अ कॉर्ड, यानी कि ये कॉर्ड है और इस सेंटर पे इस कॉर्ड के द्वारा जो एंगल आपका सबटेंड हो रहा होता है दोस्तों, वो आपका डबल होता है, बाकी इसी सेम कॉर्ड से यानी कि उसकी रिमेनिंग जो आपकी परिधि होती है उस पे जो एंगल आपका सबटेंड हो रहा होता है उससे उसके उसका डबल होता है, उस वाले एंगल से कैसा होता है, डबल होता है। अगर ये सपोज करो कि ये आपका अल्फा है, ठीक है, और ये फिर आपका टू अल्फा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा दोस्तों, टू अल्फा हो जाएगा, तो ये एंगल आपका डबल होता है ना कि बराबर होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल कैसा है, रॉन्ग है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसका मतलब ये रॉन्ग हुआ, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आगे देखिएगा, आगे भी ऑप्शंस हम लोग रीड कर ले रहे हैं क्योंकि आगे भी जो थ्योरम आपके सामने रिटेन है, ठीक है, उसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे एक सर्कल हम लोग यहाँ पे फॉर्म कर ले रहे हैं और यहाँ से आपसे क्या कहा गया है वो आप लोग समझिएगा, कि यहाँ पे कहा गया है कि वृत्त में जो केंद्र है उस वृत्त में ये सपोज करो दिस इज अर केंद्र, ठीक है, अगर ये आपका केंद्र है, सेंटर है, और इस सेंटर से बराबर दूरी पर, यानी कि सपोज करो कि ये डिस्टेंस जो है वो आपके बराबर है और इतनी डिस्टेंस आपकी बराबर दूरी पर दो कोड आपकी दो जीवाएं स्थित हैं और वो जीवाएं जो हैं वो आपकी बराबर डिस्टेंस में, सपोज करो कि ये ए डिस्टेंस पे है और ये भी आपका ए डिस्टेंस पे है, तो इनकी अगर दूरी, अगर सेंटर से दूरी अगर बराबर है तो उन जीवाओं की जो हाई लंबाई होती है, जो जीवाओं की जो लेंथ होती है, कॉर्ड की जो लेंथ होती है, वो भी कैसी होती है, सेम होती है दोस्तों, यानी बराबर होती है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी थ्योरम आप लोग रीड करिएगा, इसमें आपसे क्या कहा गया है कि यहाँ पे कहा गया कि कोई एक सर्कल है और उस सर्कल सर्कल में आपसे कहा गया कि एक तो जीवा है, अगर वो जीवा सपोज करो कि दिस इज अ कॉर्ड, ठीक है, और आपसे कहा गया कि उस जीवा द्वारा पर्दे के अलग अलग बिंदुओं पर, यानी कि इस जीवा के द्वारा उस पर्दे पे अलग अलग बिंदुओं पे अगर दो एंगल आपके सबटेंड हो रहे हैं इन्हीं अलग अलग बिंदुओं पर, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, वो दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल होता है और ये वाला जो एंगल होता है आपका, वो कैसा होता है, इक्वल होता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोनों एंगल आपके कैसे होंगे, बराबर होंगे, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पे जो दो एंगल आपके होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिर इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वाला जो लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है उसको भी हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, एक सर्कल है और उस सर्कल के जो केंद्र है आपका, ये जो केंद्र है उस केंद्र से एक जीवा पर डाला गया जो लंब है, ठीक है, उस केंद्र के जीवा पर डाला गया जो लंब है, तो सपोज करो कि ये कोई जीवा है आपकी और उस पे जो लंब आपका डाला जा रहा है, उस जीवा द्वारा जो लंब आपका डाला जा रहा है, इस टाइप की थ्योरम आपने रीड की होगी, उस जीवा जीवा पे जो डाला गया जो लंब है किसी भी सेंटर से, तो वो उस जीवा को दो भागों में, बराबर भागों में विभाजित कर देता है दोस्तों, ठीक है, समविभाजित कर देता है। तो ये इस टाइप की भी थ्योरम आप लोगों ने रीड की होगी क्योंकि इसको हम लोग कॉन्ग्रेंट करके, यानी कि ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट करके प्रूव कर लेते थे, ये चीज आपको ध्यान रहोगी, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई होगी। तो इसमें हम लोगों को फॉल्स स्टेटमेंट कैलकुलेट करना था, मतलब फर्स्ट फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना था, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों अगर आपको चैनल ठीक सही दिख रही हो तो आप अपने चैनल को शेयर भी कर, ज्यादा से ज्यादा तो हमसे जुड़ सके, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, उसे समझिएगा यहाँ पे। इसमें क्या कहा गया है, ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि आपसे कि यहाँ पे कोई एक आयत है और उस आयत की जो भुजा है यू जेड, उस आयत की जो भुजा है यू जेड, उसमें आपसे ये कहा गया है कि यू जेड जो भुजा है वो आपको गिवन है, क्या है, गिवन है। तो यहाँ पे भुजा आपको गिवन है, उसका क्षेत्रफल आयत का आपको करना है दोस्तों, ठीक है, क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए आपको मालूम है हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे आपसे कहा गया है ना कि यू जेड आपको गिवन है, ठीक
ठीक है, और उसका हमें आयत का कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे फोर ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। तो आयत आपकी स्क्रीन पे साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि एक्स वाई जेड यू क्या है, आपका आयत है, रेक्टेंगल है, उसका एरिया कैलकुलेट करना है दोस्तों। तो यहाँ पे जो यू जेड होगा, ये तो आपको मालूम है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये तो आपको मालूम ही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो यू जेड होगा दोस्तों, जो यू जेड होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्स वाई के इक्वल होगा। तो आपको यू जेड मालूम है कि 5 है, तो यहाँ पे 5 यूनिट हो गया। ठीक है, लेकिन आपको मालूम है कि आंसर आपकी सेंटीमीटर में आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर अचूक करें। ठीक है, फिर इसके बाद देखिएगा कि आयत में आपकी जो ब्रेथ है वो आपकी एक्स यू से रिप्रेजेंट की जा रही है, एक्स यू जो होगा वो वाई जेड के इक्वल होगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये भी आपका 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको एरिया कैलकुलेट करना है दोस्तों। तो यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक्स बाई जेड यू, ये आपका इस टाइप से एरिया कैलकुलेट होगा। ये आपको मालूम है कि ये जो फील्ड वो आपका रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होगा वो एल इंटू ब्रेथ होगा। तो एल आपका 5 है, और यहाँ पे एन टू और यहाँ पे 4 है, 4 5 4 20 हो जाएगा, और 20 वर्ग सेंटीमीटर आपको मालूम है कि एरिया की जो यूनिट होती है दोस्तों वो आपकी वर्ग सेंटीमीटर होगी। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये आपको न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, आप भी अपने आप सॉल्व करिएगा, और जो भी आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर राइट कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये एक ट्रायंगल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है दोस्तों? ट्रायंगल से रिलेटेड है, और इसमें आपसे क्या कहा गया है उस चीज को समझिएगा, क्योंकि आपसे एक भुजाएं दी हुई है, कि वो भी तीनों भुजाएं कैसी हैं, डिफरेंट हैं। कैसी हैं दोस्तों? डिफरेंट हैं। आपको क्या करना है कि यहाँ पे स्केलेन ट्रायंगल गिवन है, और 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, और यहाँ पे एक ह्यूरोन फार्मूले के हिसाब से हमें सूत्र से क्या करना है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है, कि इसका एरिया कितना होगा। कि ह्यूरोन फार्मूला के हिसाब से अगर उसकी ट्रायंगल की जो साइड है दोस्तों वो आपकी कैसी हो, अगर सपोज करो दिस इज अ ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल है और इसकी जो साइड है, अगर सपोज करो कि ए बी सी इसकी वर्टेक्स है, ए साइड ए वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड है वो हम लोगों ने ए अज्यूम कर ली स्मॉल ए, बी वर्टेक्स की अपोजिट साइड हम लोगों ने बी अज्यूम कर लिया, सी की अपोजिट साइड हम लोगों ने स्मॉल सी करा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये आपका एक स्केलेन ट्रायंगल हुआ, और किसी भी स्केलेन ट्रायंगल का अगर हमें हमें एरिया कैलकुलेट करना हो दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग सेमी पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे सेमी पैरामीटर को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो एस आपका जो होगा वो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप लोग क्या करते हो कि डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा एक ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए और एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, एस माइनस सी। तो ये जो आपका है ये आपका फार्मूला यहाँ से रिटेन होके आएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पे जो सही ऑप्शन आपका कैलकुलेट कौन सा होगा दोस्तों? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आपका होगा वो आपका वी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो ये वाला जो आपका सो हो रहा है बी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इस टाइप के फार्मूले को हम लोग हीरोन फार्मूला कहते हैं, क्योंकि हीरोन नामक एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन करा, ठीक है, उन्होंने परिभाषित करा इस फार्मूले को, इसलिए उनके नाम पे हम लोग इसे बोलते हैं हीरोन फार्मूला बोलते हैं। फिर इसके आगे देखिएगा, आगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो है, ठीक है, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कोई त्रिभुज है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे गिवन है, और ये बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, और इसको आप सॉल्व करके बताइएगा कि क्या आंसर आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया कि एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है, उसका जो आधार है, उसका जो क्षेत्रफल है, वो दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों।
ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी क्योंकि इसी के बेस पे हम लोग आगे के क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे दोस्तों। अब जैसे यहाँ से कहा गया है ना कि एक कोई ट्रेंगल है और उस ट्रेंगल की जो साइड है वो आपको गिवन है, उस ट्रेंगल की जो साइड है वो आपको क्या है गिवन है। तो आप सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये वर्टेक्स आपकी ए है और ये जो वर्टेक्स है ये आपका बी है और ये वर्टेक्स आपका सी है। तो सपोज करा कि ये आपका 26 है दोस्तों, यहाँ पे इस टाइप से राइट कर ले रहा हूँ कि ये आपकी 26 है और ये आपकी 28 है दोस्तों और ये आपका 30 है, ये इस टाइप से राइट कर लिया। तो आपको मालूम है कि इसके जो अपोजिट बी वर्टेक्स की अपोजिट वाली जो साइड होती है उसको हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे, उसको बी अज्यूम करेंगे और इसके बी ए ए वर्टेक्स की अपोजिट वाली साइड को ए अज्यूम कर लेंगे। तो आपको मालूम है कि सेम पैरामीटर अभी पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व करा था, क्योंकि जब भी साइड आपकी अलग अलग होती है दोस्तों तो वो आपका स्केलन ट्रायंगल कहलाता है। क्या कहलाएगा? स्केलन ट्रायंगल कहलाएगा। और उस स्केलन ट्रायंगल का अगर हमें सेमी पैरामीटर कैलकुलेट करना है दोस्तों तो इसका जो एरिया यहाँ पे जो साइड होंगी उन सभी साइड का क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे और सम कर लेने के बाद उसका हाफ कर देंगे। हाफ कर लेने के बाद आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पे जैसे 8 और 6 कितना होगा, 14 हुआ, ठीक है, 14 का 4। अब 8 से 14, 14 का 4, 8 से लगे 1, 3 दो 5, 5 दो 7, 7 ही 8 हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4 जा 8 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, तो यानी कि s की वैल्यू जो आएगी दोस्तों वो आपकी 42 आ जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि ये आपका कहलाएगा s की वैल्यू यानी कि सेमी पैरामीटर, ठीक है, क्या कहलाएगा, सेमी पैरामीटर कहलाएगा। तो s की वैल्यू तो आ गई, हमें लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना है। और वो एरिया आपको मालूम है कि आपको s, ये फार्मूला हम लोगों ने याद करा था पिछले, अभी फार्मूला देखा था उसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, उसी फार्मूले को यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो आपको s मालूम है कि 42 है दोस्तों और यहाँ पे 42 में से पहली वाली जो साइड होगी उसको माइनस करेंगे, 42 में से दूसरी वाली साइड को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे और 42 में से थर्ड वाली जो साइड है उसको माइनस करेंगे। आप लोग माइनस करिएगा और बताइएगा कि इसकी जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, कैलकुलेट आएगा कि यहाँ पे 42 और 42 में से 26 माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे बचेगा 16 बचेगा और इधर साइड से अगर हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे 14 बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा 14 और इधर से माइनस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 12 बचेगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब देखो यहाँ पे उन उन टर्म को हम लोग ब्रेक कर ले रहे हैं जिसके आपको फैक्टर स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो। तो यहाँ पे जैसे ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको ब्रेक नहीं करेंगे, बाकी सबको ब्रेक कर ले रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे 2 2 20 यानी 3 और इंटू 7 में ब्रेक करा, आपको मालूम है कि 2 3 6 हुआ, 6 7 42 हुआ, ठीक है। तो 16 को हम लोगों ने ब्रेक नहीं करा क्योंकि आपको मालूम है कि 16 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, 4 हुआ और यहाँ पे इसको किया तो 2 × 7 करा और इसको आपने किया तो यहाँ पे दोस्त क्या करेंगे, 4 3 12 यानी कि 3 में ब्रेक कर लिया। आपको मालूम है कि 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो देखिएगा ये जो पेयर है आपका ये 3 3 के साथ में पेयर बनेगा और यहाँ पे जो 7 है दोस्तों वो 7 का 7 के साथ में पेयर बनेगा और 2 का 2 के साथ में बनेगा। तो 2 का 2 के साथ बनेगा तो 1 बाहर निकल के आएगा और यहाँ पे 3 3 के साथ में बनेगा तो 1 3 बाहर निकल के, 7 7 के साथ में बनेगा दोस्तों तो यहाँ पे 7 बाहर निकल के आएगा। और 16 का जो होता है दोस्तों वो आपका 4 हो जाएगा और यहाँ पे 4 का जो होगा वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होके आएगी वो होके आएगी 2 3 6 6 6 7 42 42 और 4 2 8, ठीक है। 8 की मल्टीप्लाई जब हम लोग 42 से कराएंगे 8 2 16 होगा, 16 किया हम लोगों ने और यहाँ पे 8 4 जा कितना हुआ, 32 हुआ, 32 और प्लस 1 आपका हो जाएगा 33 यानी 336 आ जाएगा, 336 आपका वर्ग सेंटीमीटर होगा दोस्तों, क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब इसके बाद आपसे क्या कहा गया है कि समांतर जो चतुर्भुज है उस समांतर चतुर्भुज की आधार आपको गिवन है, क्या है, आधार आपको गिवन है दोस्तों और यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का जो आधार है वो आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि समांतर चतुर्भुज की जो ऊंचाई है वो आपको फाइंड आउट करनी है, ऊंचाई आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको मालूम है कि ये जो एरिया कैलकुलेट होके आया है वो आपका समांतर चतुर्भुज का भी एरिया होगा। तो यहाँ पे हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है आपका बेस इंटू हाइट, ठीक है,
बेस इंटू हाइट होता है, तो यहाँ पे बेस इंटू हाइट का फार्मूला हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। बेस इंटू हाइट का फार्मूला जब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे आपका कितना आएगा, बेस इंटू हाइट, बेस कितना है, बेस आपका है, बेस देखिए बेस आपका 28 है, 28 हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, 28 इंटू हाइट और इजिकल टू 336 आपका यहाँ पे यूज होगा। और यहाँ पे यूज कर लेने के बाद फिर हम लोग 28 से डिवाइड करेंगे, 28 से डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा, ठीक है, आपका जो आंसर होगा वो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे एच की वैल्यू कैलकुलेट 336 को हम लोग 28 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 28 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा बताइएगा, कितना आएगा यहाँ पे, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 28 और 7 21 21, अगर 7 28 5 256, तो यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा 7 28 7 256, ठीक है। और यहाँ पे आप करोगे 7 28 तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 4 2 8, तो यहाँ पे जो एच की जो वैल्यू आ रही है दोस्तों वो आपकी आ रही है सेंटीमीटर, तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो आपका कितना हो जाएगा, आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये चीज आपको मालूम थी कि ये जो एरिया आपका था ये किसका एरिया था दोस्तों, ये जो एरिया आपका था वो आपका था, ठीक है, ये एरिया था एरिया ऑफ पैलोग्राम, ठीक है, ये एरिया आपका पैलोग्राम का भी होगा क्योंकि आपसे कहा गया था स्टेटमेंट में कि त्रिभुज का जो एरिया है वो समांतर चतुर्भुज की एरिया दोनों से समान है, ठीक है, समान है। तो ये जो आपका यहाँ से हाइट कैलकुलेट हो जाएगी, यहाँ जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन आपको दिखा रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस टाइप से होगा, ठीक है दोस्तों, आप लोग भी सॉल्व करिएगा और बताते रहिएगा कि आप क्या आ रहा है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दूसरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके सामने गिवन है, और इसमें आपसे क्या कहा गया कि यहाँ पे जो साधारण एक किताब है और उसकी जो पुस्तक है वो एक ठोस आकृति की है, कैसी है, ठोस आकृति की है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे वो जो आकृति बनेगी वो आकृति आपकी किस टाइप की होती है उसको आपको बताना है। तो आपको मालूम है कि जो किताब होती है वो आपकी क्यूबॉइड शेप की होती है, कैसी होती है दोस्तों, क्यूबॉइड शेप की होती है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये क्यूबॉइड शेप की होगी, क्योंकि बुक जो होती है वो आपकी क्यूबॉइड शेप की होती है और इसलिए बोलते हैं इंग्लिश में क्यूब, ठीक है। और ये तो आपको मालूम है कि रेक्टेंगल और समांतर चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं, ये हम समांतर चतुर्भुज को बोलते हैं पैलोग्राम, ठीक है। यहाँ पे जो आपके आयत और समांतर चतुर्भुज के टू डायमेंशनल आपकी फिगर होंगे, ये जो दोनों डायमेंशनल क्यूब और क्यूबॉइड जो होंगी दोस्तों वो आपके थ्री डायमेंशनल होंगे, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे जो किताब होगी वो एक थ्री डायमेंशनल होगी, और थ्री डायमेंशनल एक ठोस आकृति की बात हो रही है, सॉलिड फिगर की बात हो रही है, तो जो सॉलिड फिगर आपका बनेगा क्यूबॉइड शेप का होगा, ये भी आपका क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपसे क्या कहा गया है देखिएगा, इसमें आपसे कहा गया कि एक कोई राम है और वो राम क्या करना चाहता है कि राम एक ठोस घन बनाना चाहता है, ठीक है, राम क्या करना चाहता है, ठोस घन बनाना चाहता है दोस्तों, और यहाँ पे ठोस जो घन है, ठीक है, ठोस घन बनाना चाहता है, क्या करना चाहता है, ठोस घन बनाना चाहता है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर ऐसा आपसे पूछा गया है, और जिसके 5 सेंटीमीटर वाले घन कितने टुकड़ों की आवश्यकता होगी ये आपको बताना है। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे जैसे ठोस घन की बात हो रही है, तो ठोस घन की बात हो रही है, तो ठोस घन की जो भुजा होगी वो आपको गिवन है कि 15 सेंटीमीटर, तो इसको 5 सेंटीमीटर वाले कितने घन घनाकार टुकड़ों की आवश्यकता होगी, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे जो आपके छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो भी घन शेप के हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करना होगा कि आपको टुकड़ों की संख्या ज्ञात करनी है, इसकी क्यों ज्ञात करनी है, टुकड़ों की संख्या ज्ञात करनी है, तो आपको तो यहाँ पे छोटे वाले जो टुकड़े हैं उन टुकड़ों की जो संख्या होगी दोस्तों, तो आपको मालूम है कि हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, तो आपको मालूम है कि ठोस घन का जो वॉल्यूम होगा, बड़े वाले जो घन का वॉल्यूम होगा वो ए क्यूब होगा, ए क्यूब का क्या फार्मूला होता है, ए क्यूब को 3 टाइम राइट करेंगे तो 15 इंटू 15
15 राइट करेंगे, और फिर इसके बाद देखिएगा नीचे जो आपका छोटे वाले क्यूब का यहाँ पे राइट किया जाएगा, और छोटे वाले क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो 5 × 5 × 5 होगा दोस्तों। अब इसको जब हम लोग, ये यूनिट भी आपकी सेम है 15 सेंटीमीटर है, तो यूनिट सेम है तो इसमें कन्वर्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर हम लोग यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 15 हो जाएगा, और 5 से डिवाइड करोगे 5 × 15, और यहाँ पे 5 से डिवाइड करोगे 15। अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 9 × 9 = 27, तो 27 आपके टुकड़ों की संख्या आ जाएगी, वो भी घनाकार, कैसे घनाकार टुकड़ों, ठीक है, घनाकार टुकड़ों की संख्या 27 आएगी। तो यहाँ पे जो सही करेक्ट आंसर होगा वो आपका 27 होगा दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, जब भी बात होती है ना इस टाइप के क्वेश्चन की तो आपको मालूम है कि उनकी वॉल्यूम कैलकुलेट होती है, कैलकुलेट होते हैं वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, और वॉल्यूम से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो ये आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और इसमें क्या करना है कि जैसे क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है, इसमें आपसे बोला गया कि यदि वाई एक्सिस है, ठीक है, क्या कहा गया है, y एक्सिस बोला गया, और y एक्सिस में आपको क्या करके दिखाना है, ग्राफीय रूप से प्रदर्शित किए जाने वाले आंकड़े जो है वो लाख में गिवन है, ठीक है, आंकड़े किसमें है दोस्तों, लाख में गिवन है, और आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो लाख में गिवन है, 1.5, 2.3, 2.7 तथा 3.3 आपको गिवन है, ठीक है। जब भी इस टाइप से आंकड़े आपको गिवन हो और उस इकाई को प्रदर्शित करने के लिए, इकाई को प्रदर्शित करने के लिए आपको जो स्केल लेना है, उपयुक्त माप होगा वो कौन सा होगा, 50,000 होगा, या फिर 30,000 रुपीज का होगा, या 50,000 रुपीज का होगा, या 60,000 रुपीज का होगा दोस्तों। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके गिवन है। तो वाई एक्सिस पे ग्राफी, अगर किसी ग्राफी रिप्रेजेंटेशन को आपको रिप्रेजेंटेशन करना है किसी भी डेटा को, और जो भी डेटा आपका गिवन है वो आपका किस में है, वो लाख में गिवन हो दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग एचसीएफ कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो कॉमन माप होगी जो इन सभी डेटा को रिप्रेजेंट किया जा सके, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि जैसे 1.5, 2.5, 2.7, 3.3 जो आपका डेटा यहाँ पे लाख में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो डेटा आपका उस स्केल पे रिप्रेजेंट हो जाए ठीक से, मतलब ये सारे डेटा आपकी, ऐसा स्केल आपको उपयोग स्केल चूज करना है कि जिससे कि आपका वो डेटा उस पर आसानी से फिट हो जाए, मतलब सेट हो जाए, तो आपको पॉइंट में काउंट ना करना पड़े, इस टाइप से आपका डेटा वहाँ पे अरेंज हो जाए, यानी कि ग्राफ पेपर पे। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिए हुए होते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे जैसे ये डेटा आपको गिवन हो, तो आपको क्या करना कि यहाँ पे क्या करना कि 1.5 लिखा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे 2.1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपका 2.7 लिखा हुआ है, 3.3 लिखा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि आपको एचसीएफ फाइंड आउट देखना होगा कि ऐसा नंबर कॉमन देख लीजिए कि जो डेटा आपका वहीं से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग 0.3 ले लेते हैं और इंटू कर देते हैं, ठीक है, 5 से, और यहाँ पे 0.3 लिया और इंटू किया आपने 7 से, ठीक है, और 0.3 किया और इंटू किया आपने 9 से, फिर यहाँ पे 0.3 किया और इंटू किया आपने 11 से, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो 0.3 आपका जो आ रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, वो मासा कहलाएगा, यानी कि महत्तम समावर्तक कहलाएगा। और यहाँ पे जो एचसीएफ को रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, इसको रिप्रेजेंट करेगा, एचसीएफ को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये 0.3 जो आपका नंबर आ रहा है ये आपका इतने लाख हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, इतने लाख से आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे, ठीक है, ये कॉमन नंबर है, 0.3 लिया, फिर नेक्स्ट आपका जो नंबर बनेगा वो 0.6 बनेगा, 0.9 बनेगा, 1.2 बनेगा, यानी 0.33 उसमें ऐड होता जाएगा, तो सारे नंबर इसमें, ये जो डेटा आपको गिवन है वो भी डेटा डिफॉल्ट
हो जाएगा, कहने का मीनिंग आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे 0., आपको समझ में आ रहा हो तो यस करिए दोस्तों। यहाँ पे क्या है कि 0.3 आपका जो कॉमन, आपका यहाँ पे जो मासा होगा वो डेटा आप यहाँ पे उपयुक्त स्केल अजूम करना पड़ेगा। उस उपयुक्त स्केल को अगर हम लोग अजूम करेंगे और आपको मालूम है कि 0.3 लिखा हुआ है ना, 0.3 लिखा हुआ है, अगर इसे लाख 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 में कितने जीरो होते हैं, लाख में जो जीरो होते हैं वो आपको मालूम है कि 5 जीरो होते हैं, 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे एक जीरो तो फिनिश हो जाएगा, तो आपको क्या बचेगा, 30,000 बचेगा, 30,000 रुपीज बचेगा। तो हम लोग जो डेटा अपना इस्तेमाल करेंगे यानी कि स्टार्ट करेंगे, तो वो 30,000 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो 30,000 से स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो उपयुक्त स्केल होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, यानी कि कोई भी डेटा अगर आपको अपने वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना हो तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को पकड़ बनाएंगे और इस टाइप से क्वेश्चन को करेंगे कि आप उन सारे डेटा का मासा देख लीजिएगा कि मासा कितना होगा। अगर मासा कैलकुल हो जाएगा तो उसी को वही वैल्यू आपको बेस वैल्यू होगी, वहीं से स्टार्ट करना शुरू करेंगे उस एक्सिस पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर समझ में आया होगा तो आप जरूर यस करिएगा और फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये भी एक संख्यांकी से रिलेटेड दोस्तों है। इसमें आपसे क्या कहा गया है वो आप लोग रीड करिएगा। इसमें यहाँ पे बोला गया कि आंकड़ों को लेखा चित्र दो, आंकड़ों को, आंकड़ों यानी कि डेटा, ठीक है, आंकड़ों को लेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की वह विधि है जिसमें आंकड़े उन आयतों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं जिनका आधार एक्स एक्स जो जिनके आधार चौड़ाई बराबर चौड़ाई की हो। तो आपने देखा होगा, समझा होगा कि यहाँ पे एक जो लाइन लिखी हुई है ना, उस लाइन को समझने की जरूरत है आपको। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि आपको आयत द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, उस ग्राफ को, और जिनका आधार जो है वो एक्स एक्स से जो, ठीक है, और जिनके आधार कैसे हों, बराबर चौड़ाई के हों और दो आयतों के बीच में छोड़ा गया स्थान बराबर हो। तो अगर जैसे अगर इस टाइप का कोई डेटा आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो जैसे यहाँ पे लिखा हो उसका बेस क्या हो, एक्स एक्स से जो, ऐसे आपसे कहा गया है कि ये आपका बाई एक्सिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको ने कोई भी डेटा, किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करा, तो यहाँ पे जैसे सपोज करा कि एक आयत से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो और वो आयत इस टाइप से किया, ठीक है, इस टाइप से किया, और एक बराबर डिस्टेंस में यानी कि आपने बराबर दूरी भी उनके दो आयतों के बीच में जो दूरी है वो बराबर छोड़ी है, तो इस टाइप से किया, और इनकी जो चौड़ाई है वो भी बराबर होनी चाहिए। ये जो चौड़ाई आपको दिखाई दे रही है ये भी कैसी होनी चाहिए, आयत की चौड़ाई भी आपकी कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और यहाँ पे जो आप दो आयतों के बीच में जो डिफरेंट गैप दिखाई दे रहा है वो भी कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये भी आपका कैसा होना चाहिए, ये भी बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो आपका क्या कहलाता है कि आयत चित्र कहलाता है, जिसे हिस्टोग्राम बोलते हैं, या फिर बारंबारता बहुभुज कहलाता है, जिसे हम लोग फ्रिक्वेंसी पॉलीगन बोलते हैं, या स्तंभग्राम कहलाता है, ठीक है, या फिर उनमें से कोई नहीं। आपको जवाब देना होगा दोस्तों, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो हमें लगता है कि यहाँ पे जो इस टाइप का जो डेटा होता है ना वो आपका क्या कहलाता है, इस टाइप का डेटा जो होता है वो आपका क्या कहलाएगा, ये आपको बताना है कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा डेटा आपका सही होगा, ठीक है। दो आयतों के बीच में अगर छोड़ा गया जो गैप है वो भी आपका बराबर हो, ठीक है, और जो लेखा चित्र है उसको प्रदर्शित करने में आखिरी जो आयत किए जाते हैं तो ये भी आपको बताना होगा। आयत द्वारा जो प्रदर्शित किए जाते हैं वो आयत चित्र कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे दोस्तों, आयत चित्र कहलाएंगे। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ए ऑप्शन कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सिर्फ फार्मूला पूछा गया दोस्तों कि फार्मूला क्या है कि यहाँ पे जैसे समकोणीय वृत्तीय बेलन है वो समकोणीय जो वृत्तीय बेलन है उसका औसत आपको बताना है कि आयतन कितना होगा और आपका वक्रपृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा। तो आपका जो बेलन का जो आयतन है दोस्तों वो आपको बताना है कि बेलन का जो आयतन है वो आपको पहले क्लास में बताया था कि आयतन का जो आयतन होता है पाई स्क्वायर एच होता है। दोस्तों क्या होता है पाई स्क्वायर एच होता है। और वक्रपृष्ठ की बात करते हैं ना पीएसए की तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है तो सी एस ए की बात होगी तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है ना वो तो टू पाई आर एच होता है। दोस्तों क्या होता है टू पाई आर एच होता है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके गिवन है कौन कहाँ पे गिवन है तो सबसे पहले आयतन की बात हो रही है तो आयतन का फार्मूला पहले होना चाहिए फिर इसके बाद वक्रपृष्ठ का फार्मूला होगा यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखिए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि किसी पौधे की 35 पत्तियों की लंबाई के आंकड़े 1 mm तक सही रूप से निम्न सारणी में है और लंबाई आपको गिवन है और पंक्तियों की जो संख्या है वो भी आपको गिवन है कि ऐसे पौधे जिनकी लंबाई 127 और 135 के बिटवीन है ठीक है 127 और 135 के बिटवीन है तो उनमें जो पंक्तियों की जो संख्या है वो 5 है ठीक है। उनके पंक्तियों की जो संख्या है वो 5 है। 5 पंक्तियों की संख्या ऐसी है जिनमें आपके किस टाइप के किस लेंथ के प्लांट रखे गए हैं 127 से 135 तक mm के प्लांट रखे गए हैं यानी कि ऐसे पौधे जिनकी लेंथ 136 और 144 के बिटवीन है तो दोस्तों तो वो आपका 9 पंक्तियों की संख्या है यानी उनकी लेंथ की यानी कि पंक्तियों की संख्या के हिसाब से रखा गया कि इतनी पंक्तियां यानी कि इतने लेंथ वाले की है इतनी पंक्तियां इतने लेंथ वालों की है। तो ये डेटा आपको जो रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है ये आप लोगों को आ रहा होगा। तो पंक्तियों की जो टोटल संख्या है वो भी आपको बता दी गई है कि पंक्तियों की जो टोटल संख्या है वो 35 है ठीक है। आपको ये बताना है कि ये कहना सकता है कि अधिकांश पंक्तियां है 153। आपको ये बताना है कि जो 4 ऑप्शंस आपको गिवन है दोस्तों आपको ये बताना है कि ये जो आपकी जो इतने एमएम के जो आपके लेंथ के जो प्लांट है वो आपके लंबे होंगे ठीक है इतने लंबे होंगे। तो हम लोग एक फिक्स डेटा नहीं बता सकते क्योंकि ये ग्रुप्ड है ठीक है। हो सकता है कि जैसे यहाँ पे बात की जा रही है ना 153 फर्स्ट ऑप्शन समझिएगा आप लोग कि 153 एमएम लंबी लिखा हुआ है ना तो 153 mm लिखा हुआ है तो 153 में mm अधिकांशता जो पंक्तियां हैं जैसे हमने 12 देखा कि 12 जो पंक्तियां हैं वो आपकी ज्यादा है तो हम लोग ये नहीं कह सकते ना देखो ध्यान से समझिए कि हम लोग जैसे यहाँ पे 12 लिखा हुआ है इसमें सबसे अधिकांश पंक्तियां किसमें हैं तो अधिकांश पंक्तियां इसमें है लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जैसे 145 लिखा हुआ है तो आप 153 को टिक लगा दो ऐसा भी नहीं कह सकते। हो सकता है कि 153 के मतलब 152 के ज्यादा पंक्तियां हो ठीक है प्लांट की ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 145 हम 145 पे भी टिक नहीं लगा सकते हम 149 पे भी टिक नहीं लगा सकते क्योंकि हमें नहीं पता ना। तो आपको इतना मालूम है कि 145 और 153 के बिटवीन आपकी 12 पंक्तियां हैं हमें इतना नहीं मालूम कि आपको ये नहीं कह सकते ये उपयुक्त नहीं है कि अधिकांशता जो पंक्तियाँ होंगी वो 145 की होंगी या 149 की होंगी या 153 की होंगी ये आप नहीं कह सकते हो ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि 153 और 145 के बिटवीन कई सारे यानी कि नंबर आ रहे हैं तो उनमें से हम ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि किस नंबर की यानी कि किस लेंथ की पंक्तियाँ सबसे ज़्यादा होंगी तो ये आपको डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये डेटा से हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आंसर होगा तो ये वाला जो आंसर होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपसे ये कहा गया है कि 210 रुपए है ठीक है और राम श्याम में विभाजित किए गए बांटे गए 7:3 में तो आपको बताना है दोनों के द्वारा जो प्राप्त धन है वो रुपए में क्रमशः कैसे होगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे 7:3 में आपको विभाजित किया गया तो आपने रेशियो को अज्यूम कर लिया कि आपने जो रेशियो है वो 7x और +3x ले लिया ठीक है। x में अज्यूम करा कि आपके जो राम है समझना कि राम का जो प्राइज है राम को जो पैसे मिल रहे हैं वो 7x है ये किसके हैं राम के ठीक है
और ये जो 3x है ये हम लोगों ने नेट कर लिया दोस्तों, तो ये आपके किसके हैं, श्याम के, ये श्याम के हैं, ठीक है, ये श्याम के हैं, तो ये आपने श्याम के अज्यूम कर लिया, तो आपको मालूम है कि दोनों का जो समय वो आपका 210 रुपीज है। इतना तो आपको मालूम है कि 210 रुपीज को टू टू में डिवाइड किया गया, स्प्लिटेड किया गया, डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है, तो इसका मीनिंग ये 10x हो जाएगा, और 10x को 210, और यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आपकी आ जाएगी 21। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 21 आया, तो इसका मीनिंग आपको बताना है कि प्राप्त जो धन होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे 7 × 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 7 × 7 = 14, 147 रुपया, और यहाँ पे 3 × x की वैल्यू जो आ रही है वो 21 है, 21 × 63 रुपया, तो ये जो रुपए आ रहे हैं वो आपके 147 और 363 आ रहे हैं, तो इसका मतलब सिक्वेंस से आपको बताना है कि राम और श्याम के हैं, तो राम और श्याम के 147 आपका पहला आंसर होगा, 63 आपका दूसरा आंसर होगा, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट करा 7x और 3x में, तो आपको वैल्यू यहाँ से आंसर मिल गए कि आपका जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए आगे जो क्वेश्चन आपको गिवन है इसमें क्या करना है कि आपसे ये कहा गया है ना कि ए रेशियो बी, बी प्रोपोर्शनल सी रेशियो डी, ठीक है। ये स्टेट, ये चीज आपको डेफिनेशन गिवन है कि दो रेशियो अगर आपके इक्वल होते हैं तो वो प्रोपोर्शनल में राइट कर लिए जाते हैं, लेकिन आपसे ये कहा गया है ना कि ए सी डी ये विद अनुपात है, विद अनुपात है, कंटिन्यूअस में, ये आपसे कहा गया है। अगर कंटिन्यूअस में होते हैं ना तो उनके जो मीन मीन टर्म होते हैं, ये मीन टर्म बोलते हैं, ठीक है, मिडिल टर्म या मीन टर्म, तो जो मिडिल टर्म होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पे बी मिडिल टर्म जो होते हैं वो आपके बराबर होते हैं, तभी वो आपका जो यहाँ पे रेशियो होगा वो आपका कैसा होता है, वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अगर कोई रेशियो आपकी कंटिन्यूस है तो वो कंटिन्यूस की कंडीशन आपकी तभी होगी। तो यहाँ पे वितत अनुपात लिखा हुआ है ना, इसका मीनिंग आपका यही होगा कि यहाँ पे ये बी इजिकल टू सी होगा होना चाहिए, तभी वो आपका इक्वल होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे ए रेशियो अगर ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे, आपके क्या हो जाता है कि आपका जो मिडिल टर्म होता है वहाँ से मीन कैलकुलेट होता है, यहाँ पे बी स्क्वायर इजिकल टू आपका आ जाएगा ए डी, ठीक है, आपका ए डी आ जाता है, तो ये आप लोग आपका ए डी क्या होगा, यहाँ पे बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए डी भी राइट कर लेते हैं, तो ये भी आप लोगों ने रीड किया होगा, तो इसे मीन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे बी इक्वल टू सी, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब इसके बाद देखिएगा आगे हम लोग यहाँ पे रीड कर रहे हैं, आगे एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गिवन है दोस्तों, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें देखिएगा कि आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका असत्य है, कौन सा स्टेटमेंट आपका असत्य है, तो इस पे आपको फोकस करने की जरूरत है कि आपको क्या बताना है कि फॉल्स स्टेटमेंट बताना है कि फॉल्स स्टेटमेंट आपका कौन सा है। तो फॉल्स स्टेटमेंट बताने के लिए 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है, तो छूट इज इक्वल टू अंकित मूल माइनस विक्रय मूल, तो इस टाइप का फार्मूला आप लोगों ने रीड किया होगा कि छूट जो होती है ना डिस्काउंट बोलते हैं, अंकित मूल आपका मार्क प्राइज होता है, और मार्क प्राइज में से अगर सेलिंग प्राइज माइनस कर देते हैं तो उतना ही भी छूट होती है, यानी जो भी आपको यहाँ पे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर आओ उस ऑब्जेक्ट पे जो भी मार्क प्राइज आपका गिवन होगा वो छपा हुआ जो मूल्य बोलते हैं उस प्रोडक्ट पे जो भी छपा हुआ मूल्य होता है, और जो आप जैसे सपोज करो कि छपा हुआ मूल्य अगर 50 रुपीज है, और 50 रुपीज में अगर आपने वो 50 रुपीज पे अगर आपका जितना भी परसेंटेज आपको माइनस हो रहा है, 5 की छूट मिल रही है, तो 5 की छूट मिल रही है, तो यहाँ पे 5 माइनस करके यानी कि वो 45 रुपीज में आपकी मिल, ठीक है। तो इसका मतलब बिक्री कितने हुआ हुई आपकी 45 रुपीज, और आपको 50 रुपीज तो छूट मिल रही है आपको 5 रुपए की, तो यहाँ पे ये भी फार्मूला आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। और छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये आपका स्टेटमेंट इस टाइप का नहीं रीड किया होगा, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल
रहता है, ठीक है। और फिर इसके बाद देखिए लाभ इज इक्वल टू बिक्री मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो ये तो आपने रीड किया होगा, क्योंकि लाभ तभी होगा जब वो सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा हो और यहाँ पे कॉस्टिंग प्राइस आपका कैसा हो, कॉस्ट प्राइस कम हो। तो हानि कब होगी, हानि की जब होती है जब कॉस्ट प्राइस आपका ज्यादा हो और आपका सेलिंग प्राइस कैसा हो, कम हो, तो इस तब उस टाइम आपका हानि होगा। तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है और ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको असत्य कैलकुलेट करना है कि असत्य वाला कौन सा होगा, तो असत्य वाला जो स्टेटमेंट होगा वो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन दोस्तों। इसमें आपसे क्या कहा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये इस टाइप के स्टेटमेंट पे आपको जरूर ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो नहीं वाले होते हैं ना, एकदम बच्चा क्या करता है इस चीज पे आन की ध्यान नहीं देता है, तो वो सही वाले पे टिक करके चला आता है, ठीक है। और अपने आप को समझता है कि हाँ मैंने सही किया, लेकिन इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना कि सत्य नहीं है, उस चीज को आपको बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा सत्य नहीं। ऑप्शन आपके सामने के बिना, तो आपको बताना है कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना कि संख्या जो 25 है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये तो आपको मालूम है कि पूर्ण वर्ग है, 25 5 का वर्ग होता है ना, तो ये 5 का वर्ग होता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हुई आपकी, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे कहा गया कि जो संख्या आपकी 38 है दोस्तों, वो 38 है वो आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, हाँ यस नहीं है, क्योंकि ये वर्ग किसी भी नंबर का ये वर्ग ऐसा आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद आपसे क्या कहा गया है कि कोई एक विषम संख्या आपकी दी हुई है और वो विषम संख्या जो है, ठीक है, उस संख्या के वर्ग को दो क्रमांकत आपके किस में बांटा गया, दो क्रमांकत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं। किसी सम संख्या के वर्ग को दो क्रमांकत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं। इनमें देखो स्टार्टिंग की दो स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट है और लास्ट में यानी कि सी और डी में आपका आंसर छिपा हुआ है, तो बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, और प्लस विद एग्जांपल के साथ विद एग्जांपल बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे जैसे सी ऑप्शन आपके सामने गिवन है कि सी में क्या कहा गया है कि आपका जो विषम संख्या है ना, जैसे ये लिखा हुआ है कि विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमांकत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है। तो आपको मालूम है कि अगर जैसे अगर मैंने विषम संख्या ली, थ्री का स्क्वायर लिया तो 9 हुआ तो 9 को आप क्या लिख सकते हो, 9 को आप लिख सकते हो कि दो क्रमांकत धनात्मक पूर्ण संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हो। तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांकों के रूप में यानी कि हम लोग धनात्मक ले लिया 5 प्लस 4, तो ये आपको मालूम है कि धनात्मक पूर्णांकों के रूप में लिख लिया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रहेगी। फिर इसके बाद देखो अगर मैंने इस वाले स्टेटमेंट की बात करते हैं कि सम संख्या लिया, वो सम संख्या अगर आपने 4 लिया, सपोज करो कि एक काउंटर एग्जांपल देख लीजिएगा कि यहाँ पे जैसे मैंने 4 का स्क्वायर किया 16, और ऐसा एग्जांपल ले लो जो गलत प्रूव कर दो, क्योंकि सही वाले तो बहुत देर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 16 हुआ, तो इसको ब्रेक करा तो आप 8 प्लस 8 भी राइट कर सकते हो, ठीक है, 8 प्लस राइट भी कर सकते हो 8, या फिर हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि आप राइट कर सकते हो कि 9 प्लस 7 भी राइट कर सकते हो, क्योंकि 9 प्लस 7 भी आपका 16 होता है। तो हम लोग ये यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं कि सम के जो वर्ग है ना, वो दो क्रमांकत धनात्मक के योग पूर्णांकों के योग के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पे देखो दो टाइप से व्यक्त कर लिया गया है, तो दो टाइप से व्यक्त कर लेना ही आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 9 को और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि 9 को जब दो क्रमांकत अगर क्रम से लेना है, वो भी कैसा लेना है, क्रम से लेना है, तो ये भी ध्यान रखना कि जैसे क्रमांकत यानी कि धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में लिख रहे हो तो 5 प्लस 4 कर दो या 4 प्लस 5 कर दो। बात एक ही है, अगर जैसे 8 प्लस 8 लिखा, जैसे ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, 8 प्लस 8 में भी हो गया और यहाँ पे 9 प्लस 7 में भी हो गया, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके क्रिएट हो रहे हैं, तो इसका मीनिंग यहाँ पे डी ऑप्शंस आपका बिल्कुल गलत होगा, सी ऑप्शंस आपका सही होगा। तो यहाँ पे सही वाले तो आपको फर्स्ट वाला सही मिल गया और सेकंड वाला भी सही मिल गया, और ये वाला जो ऑप्शन है आपका फोर्थ, ये बिल्कुल डी
बिल्कुल इनकरेक्ट है दोस्तों। तो इसका मीनिंग यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो आपका ये वाला सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, ठीक है, आप लोग भी सॉल्व करिएगा, बताते भी रहिए कमेंट बॉक्स में लिख लिख के कि आप ये है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है कि एक कक्षा में 54 विद्यार्थी हैं, छात्रों की जो संख्या है वो छात्राओं की जो संख्या है वो छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी है। तो छात्रों की संख्या क्या होगी आपको ये बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 54 विद्यार्थी टोटल है, ये टोटल स्टूडेंट आपको ये मिलना है। तो आपको मालूम है कि टोटल स्टूडेंट इतने हैं, तो छात्रों की जो संख्या है वो आपने x अज्यूम कर लिया, नहीं है x है। अगर हम लोगों ने यहाँ पे लेट कर लिया कि लेट करा कि आपकी जो छात्रों हैं उन छात्रों की जो संख्या है, ठीक है, छात्रों की जो संख्या है वो x है, कितनी है x है। तो x का 4/5 पार्ट है वो आपकी क्या है, छात्राएं। तो ये छात्राओं की संख्या हो गई, ठीक है, इतनी छात्राएं हैं। तो आपको मालूम है कि टोटल कितना है, टोटल जो है वो 54 है। तो x प्लस यहाँ पे 4/5 x हो गया और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 54 हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 5x प्लस 4x और डिवाइडेड बाय 5 और इक्वल टू 54। अब यहाँ पे 9x आ जाएगा, 9x की मल्टीप्लाई देखो, इधर मल्टीप्लाई करोगे 5 से और फिर यहाँ पे x इक्वल टू वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 54 आएगा, 5/9, 9 6 कितना हुआ 54 हुआ। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 30, नहीं आ जाएगी दोस्तों 30। तो 30 x किसको अजूम किया था, छात्रों की संख्या को अजूम किया था। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही समझ में आया होगा। अब हम लोग इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और सभी बच्चे सभी स्टूडेंट यानी कि जो भी सीटेट के एप्लीकेंट हैं वो सभी अपने चैनल को शेयर करिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ सके, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो इसमें क्या करना है आपको गुणनफल और शेषफल बताना है कि किसके बराबर, ठीक है। आपके सामने क्या है कि बाई लिखा हुआ है ना कि बाई प्लस 3x से आपको क्या करना है, भाग करना है। किसके लिए भाग करना है, 27 एक्स क्यूब के लिए भाग करना है और प्लस 27 एक्स स्क्वायर बाई, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9x बाई स्क्वायर प्लस बाई क्यूब, ये लिखा हुआ है। अब इसको भाग करोगे तो आपको मालूम है कि यहाँ पे जैसे x का टर्म पहले लिखा हुआ है ना, तो इस x के भी टर्म को पहले आप चेक करेंगे कि x की पावर यहाँ पे 1 है दोस्तों, और यहाँ पे हमें लानी है कि x की पावर 3, तो हमें x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे 27 लाना होगा। तो 3 हमारे पास है तो आपको 9 से मल्टीप्लाई कराना होगा, वो भी प्लस में, क्योंकि प्लस प्लस आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 3 जा कितना हुआ, 27 हो जाएगा और एक्स क्यूब हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इससे भी कराओगे प्लस का 9 और यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, और यहाँ पे ये माइनस करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होकर 0 बन जाएगा, और यहाँ पे 27 में से 9 माइनस करोगे दोस्त तो यहाँ पे आपका आएगा 18, कितना आ जाएगा 18 आएगा, वो भी प्लस का, और एक्स स्क्वायर बाई आ जाएगा। और इधर साइड से सेकेंड टर्म आपने रिपीट किया तो एक्स बाई स्क्वायर नोट करा। अब देखिए यहाँ पे एक्स की पावर 2 लाना है, पहले प्लस का 18 लाना है, तो आपका प्लस का 3 ऑलरेडी है, तो प्लस के 18 तभी आ पाएगा जब आप प्लस 6 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 6 से मल्टीप्लाई करोगे, और हमें x की पावर 2 लानी है। तो 2 लाने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे एक x से मल्टीप्लाई कराना होगा और दूसरा बाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना होगा, तभी आपका यहाँ पे क्या बन पाएगा, 18x स्क्वायर y बन पाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई जब हम लोग इससे कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे प्लस प्लस 6x बाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, बाई क्यूब हो जाएगा। एक मिनट, हमें यहाँ पे बाई लाना है ना, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे बाई लेना पड़ेगा और ये चीज नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 को क्या करेंगे, आपको 2 को नहीं लेना है, तभी आपका बाई आ पाएगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 2 पावर आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद देखिएगा माइनस
और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे कट हो जाएगा ये, और यहाँ पे नाइन में से सिक्स आपका माइनस करोगे तो नाइन में से सिक्स माइनस करोगे दोस्त तो यहाँ पे आपका आएगा थ्री, प्लस का थ्री एक्स वाई स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे वाई क्यूब को हम लोगों ने नोट डाउन करा ये, ठीक है, ये टर्म हम लोगों ने नोट डाउन करा। तो ये यहाँ पे क्या करोगे कि थ्री आपके ऑलरेडी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि प्लस का वाई स्क्वायर से यहाँ पे नोट करेंगे, तो यहाँ पे प्लस का वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओगे आपका क्या बनेगा कि यहाँ पे बनेगा थ्री एक्स वाई स्क्वायर, और प्लस वाई स्क्वायर की वाई से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका वाई क्यूब हो जाएगा, और माइनस का ये कट हो जाएगा, और यहाँ पे भी कट हो जाएगा, तो आपका कट होके क्या बनेगा जीरो मिलेगा, तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुणनफल तो आपका नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है दोस्तों, और यहाँ पे शून्य आपका रिमाइंडर मिल रहा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे जो आपका गुणनफल है वो तो आपका इतना आ रहा है, तो आपको क्वेशेंट फाइंड आउट करना था यहाँ पे, ठीक है, और आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करना था, रिमाइंडर तो आपका जीरो आ रहा है, क्वेशेंट आपका आ रहा है नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, और शून्य आपका रिमाइंडर है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि आपसे कहा गया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के बारे में निम्न में से क्या सत्य है, आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, कि ये एक संख्या है या ये एक समीकरण है, या आपको बताना है कि क्या ये समीकरण ये समीकरण है या ये दोनों सत्य है या फिर ये दोनों आपके असत्य है। तो आपको मालूम है कि इस टाइप के जब भी हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट हम लोग रीड करते थे तो आपसे ये बोला जाता था कि बच्चों ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी याद कर लो, तो ये एक सर्वसंख्या है ना कि समीकरण है, तो ये एक सर्वसंख्या है ना कि समीकरण है, तो इनमें से ना तो हम लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट होगा ना ही डी ऑप्शन करेक्ट होगा, हम लोगों का जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा वो ए ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, सर्वसंख्या होगा यानी आइडेंटिटी होगी, इस टाइप से हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इनमें क्या कहा गया है कि निम्न में से किसका मान थ्री का स्क्वायर और उसका होल क्यूब के बराबर नहीं है, ये आपसे बोला गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो किया गया है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसको कितने रूप से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे थ्री का स्क्वायर कितना हुआ, थ्री का स्क्वायर आपका हुआ, जैसे आपको मालूम है कि थ्री का स्क्वायर की होल पावर क्यूब लिखा हुआ है, थ्री का स्क्वायर नाइन हुआ, नाइन की पावर थ्री भी राइट कर सकते हैं, इसी चीज को हम लोग और भी राइट कर सकते हैं कि ये पावर इंटरचेंज कर दो, थ्री की पावर थ्री राइट किया, इसका होल स्क्वायर किया, तो थ्री की थ्री जो नाइन, नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन की पावर टू राइट कर सकते हैं, इसी चीज को हम लोग और भी तरीके से राइट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो पावर है पावर की मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये भी एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी हम लोगों ने रीड की थी, थ्री टू जो सिक्स हो जाएगा, तो ये थ्री की सिक्स। तो यहाँ पे जो थ्री ऑप्शन आपके स्टार्टिंग के दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, तो ये ऑप्शन आपके शो हो रहे हैं, तो इसका मीनिंग आपका डी ऑप्शन है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हम लोगों को नहीं वाले पे टिक लगाना है, किस पे लगाना है, नहीं वाले पे टिक लगाना है जो बराबर नहीं है, तो इस टाइप की एक्सप्रेशन को हम लोग सिक्स की पावर राइट नहीं कर सकते दोस्तों, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि फोर्थ आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों, अगर क्लास आपको बेहतरीन लगी हो, अच्छी लगी हो, क्लास को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि आगे जो क्लास हम लोगों की होगी उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और हमें भी अच्छा लगेगा, और ये क्लास भी आपकी कंटिन्यूसली आगे चलती रहेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच।